साथ ही हमने मार्क्स की जो आइडियोलॉजी का है, हमने पहले वीडियो में आपको मार्क्स का मार्क्स और मार्क्सवाद के बारे में बताया। दूसरा जो वीडियो हमने बनाया था भाववादी दर्शन के बारे में बताया। तीसरा वीडियो जो हमने डाला था वो हमने भौतिकवादी दर्शन के बारे में डाला था। अब साथियों हम इसको आगे बढ़ाते हुए जिस तरीके से मार्क्स ने ऐतिहासिक भौतिकवाद में विकास की जो प्रक्रिया है उसको समझाया है और पूरी तरीके से एक्सप्लेन करके बताया है कि दुनिया किस तरीके से जात हुई और किस तरीके से दुनिया का विकास हुआ, व्यवस्थाएं कैसे बनी, अलग अलग व्यवस्थाएं कैसे बनी और कैसी व्यवस्थाएं बदली। तो इसी प्रकार से हमको अब अर्थव्यवस्था को समझना है, राजनीतिक अर्थव्यवस्था को समझना है कि दुनिया में ये व्यवस्थाओं के हिसाब से अर्थव्यवस्था कैसी थी, लेन देन किस तरीके से था, आर्थिक और संपत्ति का अधिकार किस तरीके से थे। ये जो है सबसे बड़ा अहम सवाल है जिसको साथी हमको अब समझेंगे। इसके बारे में मार्क्स ने जो है दास कैपिटल नाम से किताब लिखी थी। दास कैपिटल के अंदर सारी चीज़ें उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन की हुई थी, मगर साथियों हम इसमें बहुत ही दास कैपिटल के हिसाब से चैप्टर बाय चैप्टर अब इसमें हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। अभी मैं आप खाली आपको जो उसका सारा सार है दास कैपिटल में जो बेसिक मुद्दे हैं उसको मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा और उसके बाद फिर हम दास कैपिटल को कुछ समय लेकर के, क्योंकि उसमें थोड़ा वक्त लगेगा, और फिर हम उसको पूरा चैप्टर चैप्टर के हिसाब से भी बाद में समझेंगे। तो साथियों ये जो है हम नया जो है कॉन्सेप्ट है जो आपको समझाने है, जो राजनीति का बेसिक है, अर्थव्यवस्था का बेसिक बिंदु है, इसमें हम जो है पहले शुरुआत में इतिहास से करेंगे, हिस्ट्री से करेंगे। अर्थव्यवस्था का इतिहास क्या है, जिस तरीके से मार्क्स ने हमको समाज का इतिहास समझाया उसी तरीके से अब हम अर्थव्यवस्था के इतिहास को साथी समझेंगे। तो साथियों मैं शुरू करता हूँ इसको। हमको सबसे पहले समझना है कि जो पूरा प्राचीन भारत था जब दुनिया चालू हुई तो उसमें किस तरीके की स्थिति थी, किस तरीके से जो है इसमें अर्थव्यवस्था थी। तो हम अगर बहुत ही पुराने उसमें जाते हैं तो पहले हम समझते हैं कि कुछ मनुष्य के पास जंगल का जो उत्पादन थे वही एक उनका मतलब जीने का संसाधन था और वही एक तरीके से जो भी था अर्थव्यवस्था वही था, और उसी से जो भी जंगल से कुछ भी मिलता था उसको उस उत्पादन से अपना जो है उसको खा करके वो अपना जीवन यापन करते थे। रहने के लिए कोई घर नहीं थे, आदि मानव जो पूरा इतिहास है। उसके बाद से साथियों फिर जो है कृषि का, पशु का जो है विकास हुआ, पशु को मनुष्य को समझ में आया, पशु को उन्होंने दो तरीके से मनुष्य ने इस्तेमाल किया, एक तो उसको संसाधनों के रूप में किया, दूसरा उसको खाने का, जानवर का जो मांस है उससे खा के जिंदा रहने का जो शिकार वाली परंपरा थी, तो उसमें सारे ये मनुष्य ने जानवर को बहुत ही ज़्यादा समय तक अपने साथ में रखा है और जानवर एक समय में बड़े समय तक जानवर जो है एक अर्थव्यवस्था के रूप में रहे हैं। इन जानवरों को जो है मनुष्य अपना पालता था, फिर उनको बाज़ार में ले जाता था, उसको बेचता था, उसके बदले में दूसरा सामान लेके आता था, इस तरीके की अर्थव्यवस्था रही है। तो उसके बाद से फिर जो है आगे स्थिति, और इसमें एक चीज़ और समझना है साथियों कि इस अर्थव्यवस्था में जो लेन देन का जो सिद्धांत था वो सामान की अदला बदली का था। उस समय कोई पैसे नहीं चलते थे, कोई धन नहीं था और कोई धन का कोई सिचुएशन नहीं था, तो उस समय जो है सामान की अदला बदली, जैसे किसी के पास कुछ है किसी के पास कुछ है तो उन्होंने एक मंडी टाइप का बना लिया, धीरे धीरे मंडी बना और उसमें उन्होंने कहा कि जो है ये सामान आप ले लो, इसके बदले में हमको ये दे दो। तो ये अदला बदली का चलता था और इस अर्थव्यवस्था में यही एक तरीके से मार्क्स ने समझाया कि ये अर्थव्यवस्था यही ही सामाजिक व्यवस्था बनी, क्योंकि इसमें पूरा समाज जुड़ा हुआ था और पूरे समाज ने की ज़रूरत के आधार पर जो चीज़ें उत्पादन होती थी उस पूरी व्यवस्था को उसी हिसाब से चलती थी। इस पूरी आदिमकाल की व्यवस्था को हम समझते हैं तो इसमें पूरी चीज़ें हैं और इस व्यवस्था को हम आज भी समझ सकते हैं साथी, आदिवासी इलाकों में अगर हम जाके देखते हैं और ख़ास तौर से जो अभी बहुत ही पिछड़े आदिवासी इलाके हैं तो वहाँ आपको इसी तरीके की सारी व्यवस्थाएँ मिलेंगी। आज भी उनके सामान का अदला बदली वाला जो व्यवस्था है वो आज भी है
उसके बाद साथियों फिर दूसरा रूप आया, और वो रूप ये था कि जब ये राजा आए तो राजाओं के पहले इस तरीके से एक अर्थव्यवस्था चली कि बीच में एक चीज़ और आ गई, वो ये आ गई कि बीच में एक जो है सोना और चांदी के जो सिक्के आए थे उसका कॉन्सेप्ट ये था कि एक एक जो है सोने को एक उस समय सोना एक ऐसा चीज़ था जिसको मनुष्य जो है ना लेन देन में इस्तेमाल करता था, और सोने का रूप इस तरीके से था कि उसको काटना है, जैसे सोना कुछ तरीके से है अगर हम उसको काट के आधा आधा करना चाहें तो आधा आधा भी हो सकता है, उसको मेल्ड करके गर्म करके एक करना है तो एक कर सकता है, उसके 10 टुकड़े करना है तो 10 टुकड़े, उसकी प्राकृतिक स्थिति ऐसी तरीके, इस कारण से सोना जो है एक जो है उसके मनी के रूप में बना, और सोना को एक इस तरीके से स्थापित हुआ कि आप कोई चीज़ लेके जाएंगे फिर उसके बाद से उसको बेचेंगे, बेच के आप सोने की या चांदी की जो है कुछ सिक्के आपको मिलेंगे और उस सिक्के से जो है फिर आप जो है दूसरा सामान खरीदेंगे। तो पुराने व्यापार में हम समझते थे मोहरें चलती थी, तो मोहरें के बाकी मैं डिटेल्स में आगे वाले वीडियो में समझाऊंगा। तो इतना है कि दूसरी अर्थव्यवस्था ये अदला बदली के सामान के साथ फिर ये जो है इसका आया कि इसमें चांदी का और सोने का सिक्के शुरू हुए, ये राजा के समय में रहे और बहुत समय तक जो है ये चले। इसमें फिर एक समस्या हो गया कि जो है इसको लूटपाट होती थी, जो बलशाली लोग हैं उनका सोना पूरा चुरा ले जाते थे, छुड़ा लेते थे जो व्यापारी, बहुत सारा दिक्कत आया। तो राजाओं ने क्या किया उसके सोने के बिहाब पे उन्होंने सिक्के जारी किए, सिल्वर के सिक्के, दूसरे सिक्के जारी किए कि ये इसका कीमत इतना है और इसके बदले में सोना हमने इसको रखा है, हम गारंटी दे रहे हैं। तो फिर सिक्के चलना शुरू हुए, सिक्के से पूरी अर्थव्यवस्था चली। और मगर ये समझना है साथियों, ये पुरानी अदला बदली वाली अर्थव्यवस्था बहुत समय तक चली, अभी भी हमारे देश में ये व्यवस्था चल रही है, इसका रूप आज भी है। तो साथियों यहाँ तक आए, यहाँ से आने के बाद में फिर सरकारें आईं, जब पूंजीवादी व्यवस्था आई तो वहाँ से फिर नोट का इजाद हुआ, पैसे का इजाद हुआ, और फिर पैसे का इजाद हुआ, कागज बना, तो उसमें आप देखेंगे कि जो कागज़ का कोई वैल्यू नहीं है मगर कागज़ को वैल्यू जो है सरकार गारंटी देता है, जो भी सरकार है वो गारंटी देता है, तो सरकार को गारंटी, सरकारों को इकोनॉमी में फिर ये व्यवस्था बनी कि सोने को सरकार रखेंगी और सरकार उसके बिहाब पे जो है गारंटी देंगी कि इतने पैसे का मैं जो है इसका गारंटी दे रहा हूँ कि इसके कभी भी अगर इस पैसे का जो वैल्यू है उसके बदले में सोना सरकार के खजाने में रहेगा। तो ये व्यवस्था साथी नोट वाली चली, आज भी ये व्यवस्था पैसे वाली व्यवस्था है। इसके आगे और हम जो पैसे में अभी अगला जो स्टेप आ गया वो कैशलेस इकोनॉमी आ गया, बैंकिंग सिस्टम आ गया। बैंकिंग सिस्टम भी एक बहुत बड़ा पार्ट था जो पूंजीवादी व्यवस्था में नया आया, और इस बैंकिंग सिस्टम ने जो है फिर एक अलग तरीके की इस पूंजीवादी व्यवस्था को बढ़ाया। इसको हम आगे बैंकिंग सिस्टम वाला हम उसमें बैंक घोटाले में समझा चुके हैं और आगे भी मैं थोड़ा सा इस रूप में बोलूँगा। तो साथी हमको ये समझना है कि ये पूरी सिचुएशन एक आई और कैशलेस इकोनॉमी, अभी बैंकों से मैं बैंकों के थ्रू बैंक में पैसा ट्रांसफ़र होगा, पैसा कैश भी नहीं है। यहाँ भी यही समस्या है कि इस पैसे को पूरी तरीके से क्यों ऐसा किया, अपन इसके बारे में समझेंगे। तो ये साथी हिस्ट्री है पैसे की कि पैसा कहाँ से इकोनॉमी शुरू हुई, किस तरीके से अर्थव्यवस्था शुरू हुई और किस तरीके से अर्थव्यवस्था यहाँ तक पहुँची। तो ये मैंने आपको थोड़ा हिस्ट्री समझाने की कोशिश की, दिमाग में समझने की, अर्थव्यवस्था का बेस हमको समझना है। जब हम अर्थव्यवस्था का बेस समझ जाएंगे तो बाकी चीज़ें हम अपने आप जो है समझने लगेंगे साथियों। तो ये जो है एक रूप था, मैं अब इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ और अगले वीडियो में हम जो है मूल और अतिरिक्त मूल के सिद्धांत को समझेंगे। तो मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ साथियों, आपसे निवेदन ये करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और दूसरा निवेदन है कि इस सीरीज विचारधारा की सीरीज है, इस सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जो वीडियो आप सुन रहे हैं इसके नीचे देखेंगे तो आपको लाल रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा है, इसको उसको दबाना है, वो ब्लैक हो जाएगा, बाजू में घंटी बनी है, घंटी को दबाना है, घंटी दबाने के बाद आप हमारे साथ जुड़ गए, सब्सक्राइब हो गए। ऐसा सब्सक्राइब करना है साथियों, हजारों लोगों को, लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को इस चैनल के जुड़ना है, इसी में इसमें आप सभी साथी सहयोग करें साथियों।
तो थैंक यू साथियों, धन्यवाद। आप इस सीरीज को सुनेंगे इसी उम्मीद के साथ मैं बात खत्म करता हूँ, और फिर अपन अगले वीडियो में जो है मिलते हैं साथियों। थैंक यू।